आपने देखा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज हो गए दोस्त, प्लेटिनम्स का नाम गिनना अब संभव नहीं है। पिछले साल 51 नए प्लेटिनम्स आए थे, 52 नए प्लेटिनम्स, इस साल भी उसी तरह से झोली में आ रहे हैं, तो कहने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लगातार लगातार और लगातार होता चला गया। और इस बीच में संघर्ष आया, मैंने किसको पहचाना और किसको नहीं पहचाना यह महत्वपूर्ण नहीं था, इस बीच में लोग मिलते गए ये महत्वपूर्ण था। माथे पे लिखा नहीं रहता है, बहुत लोगों को मैंने पहली दफा देखा। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं घुसा तो मुझे लगा ही वॉज द अल्टीमेट, वही तो अल्टीमेट है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं था, उसके नीचे से लोग निकले। आज वो एमरल्ड है, रविशेखर अंजलि, उसके नीचे मनोज सुनीता, उत्तम जी, नए ब्रांड न्यू प्लैटिनम, गोइंग फाउंडर्स प्लैटिनम, सफायर डॉक्टर संजीव पांडे, डॉक्टर ओपी, इतने लोग आ गए। तो जिसको आप समझते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता नहीं। किसी ने कहा है ना, जिसको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जिसको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुवतारे निकले, अंदर से ध्रुवतारे निकले, फिक्स्ड हो गए वो। ध्रुवतारा की लोग परिकल्पना करता, उसकी सौगंध लोग खाता है, वो इतना स्थिर होता है, हिमालय, ध्रुवतारा, ये सब कायम रहने की सौगंध लोग खाते हैं, ऐसे लोग निकले। एंड इट विल कम इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आज सवाल इसका नहीं है कि कितने लोग हैं, सवाल इसका नहीं है कि कितनी बिट्स है, सवाल इसका है कि उनमें से कितने लोग निर्णय ले रहे हैं। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, अभी भी सवेरे से फोन पे मुंबई में आज कौन घुस रहा है, कितने टिकट्स उसके हुए, कितने दिल्ली में लोग इस आज के दिन घुस रहे हैं, कल करीब 276 लोग घुसे थे, आज और 24 घुस जाए तो 300 हो जाएगा मेरा। आई वॉज वर्किंग ऑन दैट नंबर, आज भी 16 लेक्स मेरी है, 16 लेक्स इज सिटिंग हियर, आई एम वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज वंस आई विल स्टॉप इट, माय ग्रुप विल स्टॉप इट, दैट आई नो इट। एंड इफ यू हैव टू गो अहेड, यू हैव टू मूव ऑन, मूव ऑन एंड मूव ऑन, आपको चलना होगा। तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, 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 द पर्सन हु विल टेक ऑल दिस डिसीजन इन दैट वे दे विल डू इन दिस बिजनेस। लेकिन जो सबसे प्यारी चीज मुझे लगी है तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वह ये आजादी अच्छी है, लेकिन आजादी कैसे मिली है? ये आजादी मिली फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू। ये बिजनेस जो है ना वो फ्री इंटरप्राइजेस है, और फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू आजादी कितनी सारी चीजों को परोस कर समेट कर लाती है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई आपको 2 करोड़ रुपया यूं ही दे दे और आप अपना 3 वर्ष लगाइए मेहनत करके उस 2 करोड़ को पाने में, वो जो प्रक्रिया है, जो अभी प्लेट में लिखा हुआ था, वही सबसे बड़ी चीज होती है। एंड फ्री इंटरप्राइजेज इन लाइफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, चाहे वो किसी कंट्री का हो, वो इंडिविजुअल किसी का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, दैट आई कैन शेयर टू यू। और वहां कितनी सारी चीजें होते हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। चाहे याद कीजिए अपना देश आजाद हुआ था तो इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल विच हैज कम थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे फ्री इंटरप्राइज हम फ्रीडम पाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ था? एक छोटी सी चीजों से शुरू हुआ था, छोटी सी चीज, 1857 का सिपाही विद्रोह एक छोटा कारण, उसके बाद चीजें खत्म हो गई। फिर कहीं पर लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कहीं ऑटोनोमस चीज के लिए, कहीं पर पीजेंट मूवमेंट हो गया किसान अपनी मांगों के लिए। 1890-95 आते तक कुछ पश्चिम में कुछ लोगों ने कर दिया। 1904-5 में जो एक्ट आया वो अच्छा नहीं था, मोंटेमिलो 9 में आया, उसमें कुछ दिक्कतें थी तो लोग आगे आने लगे। फिर अचानक लीडरशिप आती है, गांधी आते हैं, मोंटेगुचम छोड आता है, एक्ट आता है, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, ऑटोनोमी के लिए, असेंबली में भी रिप्रेजेंटेशन के लिए। फिर रॉलेट एक्ट आ जाता है, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन, अब मामला बड़ा होने लगता है, बहुत सारे लीडर्स दिखने लगते हैं, अब सब मिलकर सोचते हैं क्या स्वराज मिल सकता है, क्या हम स्वराज के लिए लड़ सकते हैं, स्ट्रगल और बढ़ जाता है। रावी तट पर कस्में, सविनय अवज्ञा, नमक छोड़ो आंदोलन, और मामला और बड़ा बनता है, एक कारण एक आंदोलन का रूप लेने लगता है। 1935 आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब तो हमें और दो ऑटोनोमी, अब तो हमें और दो सोवरेन हम होंगे नीचे स्टेट लेवल पर भी, और फिर यह आंदोलन बन जाता है, बड़ा आंदोलन बन जाता है आजादी के लिए। और उसके बाद एक ही शर्त होने लगती है, आजादी से कम कुछ भी नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, विविल प्लान, कैबिनेट मिशन, और फिर एक दिन आजाद होता है। ये स्ट्रगल जो होता है ना, इस प्रक्रिया में कितनी सारी चीजें निकलती हैं, हमारा भारतीय संविधान निकलता है, इतनी लीडरशिप निकलती है, देश का लोकतंत्र आता है, सब कुछ आता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। दोस्त ये फ्री इंटरप्राइजेज उसी की तरह है, आप यहां जब संघर्ष करते हैं ना तो ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है उसी तरह से चलती है। एक बीज के रूप में आप कहीं गिरते हैं, किसी एक आदमी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, लॉन्च करते हैं उसको,
ऑनरिंग द पार्टनरशिप दोनों तरफ से होती है कि हमारा क्या कमिटमेंट, आपका क्या कमिटमेंट, साथ मिलकर उसको 9% ले आते हैं, तब तक दूसरा आता है, पहला गायब हो जाता है, फिर उसके साथ उसके कारण से, फिर तब तक 11%, तब तक 13%, तब तक कुछ चैलेंज आते हैं, फिर कहीं और एक बिजनेस निकल जाता है, अब उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर पहले लेकर में दौड़ते हैं, अब वो कहीं और निकल जाता है, और करते हुए सिल्वर आप हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कुछ पैसों के लिए काम करें, किसी और के लिए काम करें, आप प्लैटिनम फाउंडर्स प्लैटिनम हो जाते हैं, तब तक आपका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, आपको लगने लगता है ये और मजा हो, तब तक आप एमरल्ड होने लगते हैं, अब आपको लगने लगता है पूरा परिवार, मेरा घर पूरा आजाद हो सकता है अगर मैं डायमंड शिप की तरफ जाऊं, और फिर आप सबको एक जगह लेने लगते हैं, स्ट्रक्चर बनता है, विड्थ आती है, डेप्थ आता है, बीबीएस होता है, नंबर्स होते हैं, आप लोगों के साथ लगने लगते हैं, लोगों के सपनों के साथ काम करने लगते हैं, और फिर एक दिन दरवाजा टूट जाता है, नॉट लेस देन फ्रीडम, आजादी से कम कुछ नहीं, और यही फ्री इंटरप्राइज आपको डायमंड शिप देता है और उसे आगे ले आता है, सो दिस इज लाइक दैट मूवमेंट, और इसीलिए ये आजादी सर्वश्रेष्ठ आजादी है, आजादी लेने का तरीका इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, फ्रीडम टू फ्री इंटरप्राइज है, आई फील्ड इट, मैंने इस आजादी को उस प्रक्रिया से महसूस किया है, तो उसके यही नहीं, ये यूनिक है, इस तरह की आजादी पाना ये यूनिक है, आप देखें कोई भी देश, इससे अपने इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें, भारतीय लोकतंत्र यूनिक है, एकदम यूनिक है, हमारी सभ्यता यूनिक है, हमारी संस्कृति यूनिक है, ये बिजनेस भी उसी तरह से यूनिक है, दुनिया में कितनी जगहों पर सभ्यताएं आई, आप ले लीजिए पूर्व से पश्चिम तक जाइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, बेबीलोन आई, बाइजेंटाइन आया, रोमन आया, सब आया, लेकिन सब मिट गया, लेकिन भारतीय सभ्यता शुरू हुई तो वो मिटी नहीं, वैदिक उत्तर वैदिक में बदला, 16 महाजन पद आया, उसके बाद अशोक आए, मौर्य आया, गुप्त आया, हर्षवर्धन आए, रिजनल डायनेस्टीज आई, गुलाम डायनेस्टी आई, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तुगलक आया, खलजी आया, मुगल आया, लोग आए, हम आए, देश जीतते गए, सभ्यताएं कभी नहीं मिटी, चलती रही, इकबाल ने कहा था ना, इकबाल ने कहा था यूनान मिस्र रोमा, सब मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, एमवे बिजनेस को जो मन से करता है उसकी हस्ती कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि इसके अंदर में एक डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चीजें इधर उधर लंद फंद आती है, लोग देखते हैं, होते हैं, आंधियां आती है, मुझे क्या होगा, मुझे क्या होगा, तुम कभी भी नष्ट नहीं हो सकते अगर ठीक से आए हो तो, जिन आंधियों में लोगों के छत उड़ जाते हैं उन आंधियों में हम अपने कपड़े सुखाते हैं, कुछ नहीं होता है कुछ नहीं चलता रहता है, सभ्यताएं विनष्ट नहीं हो सकती है, यूनिक है हमारी डेमोक्रेसी, कितनी यूनिक है, वैसे ये बिजनेस यूनिक है, चाइना से लेकर जापान तक चले जाइए, हर जगह डेमोक्रेसी में बिखरा हुआ है, कहीं कहीं मिलिट्री आई है, अपने यहां एनडीए बने, यूपीए बने, कुछ बने, डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी हिल नहीं सकती, लोकतंत्र हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा, कहीं नहीं जा सकता, दुनिया में और सब लोगों ने बहुत जगह आक्रमण किया, हम ऐसी अकेली सभ्यता है जो हम कहीं आक्रमण करने गए हैं, हम इन्वेजन नहीं करते हैं, इस बिजनेस में भी यही बात है, हम लोगों को दोस्त बनाते हैं, किसी पर आक्रमण करने नहीं जाते हैं, दुनिया में और जगह आपको हर जगह मिल सकता है, लेकिन एक शब्द की का पर्याय वाची इसलिए हमें बिजनेस में मिल सकता है, और वो शब्द है अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु नहीं है, हम यहां बिजनेस में लोगों को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, कोशिशें करते हैं वो कामयाब हो जाए, हम किसी के शत्रु कभी बनते ही नहीं, इसीलिए यहीं पर ये शब्द परिभाषित हो सकता है, दुनिया में मल्टीनेशनल में जाइए कहीं न कहीं किसी न किसी को किसी से पंगा है, लेकिन यहां पर ओपिनियन का डिफरेंसेस हो सकता है, ग्रोथ की बात हम सबके लिए करते हैं, इसीलिए आजाद शत्रु शब्द यही सच है, यही सच है, और यही सच है, ये यूनिक, और ये तभी मिल सकता है जब आप फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू लें, फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू, दुनिया में और कहीं आप किसी तरह से आजादी लीजिएगा, लेकिन फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू आजादी जब लीजिएगा तो वो वैल्यू बेस्ड फ्रीडम होगी, वैल्यू बेस्ड फ्रीडम होगी, आपको दोस्ती मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको वही चाहिए, अभी सुनीता ने कहा ना कि संयुक्त परिवार लौट कर आता है, टूट गया है, दुनिया मशीन बन चुकी है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और कंप्यूटर्स पर लोग यांत्रिकी हो गए हैं, लोग एक दूसरे की लाशों पर चढ़ के चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मानवीय मूल्यों के साथ लोग काम करते हैं, हम वैल्यू बेस्ड काम करते हैं, हम संबंध बनाते लेते हैं, इसीलिए वही सब चीज सबको अच्छा लगता है जो पुरानी है, चाहे कितना भी आज का गाना आ जाए, नई नई मूवी का आज ब्लू है पानी पानी कर लीजिए कितना भी, लेकिन 60 और 70 के दशक वही के गाने आपको अच्छे लगते हैं, रहे हम ये में क्या करेंगे, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे, आज भी सब बच्चे गाते हैं, अभी भी घर में
बर्थडे पार्टी चलती है तो वही गाना चलता है, बार बार दिल्ली आए तुम जियो हजारों साल, या बारात लगती है तो वही गाना गाता है मेरा यार बना है दूल्हा, सारे गाने वही चलते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यूज वहां है। एमवे बिजनेस में फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू आप फ्रीडम लेते हैं, इसीलिए वैल्यूज के साथ लेते हैं, और वो आपके पास एक कानून साथ के रूप में लाता है, ऐसे नहीं चल सकता। दैट्स द राइट थिंग। दोस्ती इतनी बनती है कि सब रिश्तेदार बन जाते हैं आप सब। अभी हम लोग 1 जनवरी को गए थे काशी विश्वनाथ पूजा करने, कार्यक्रम बना और अचानक चल दिए, रंजीत राजेश भी चलने वाले थे कोई कारण से नहीं चल पाए, हम थे, ओम प्रकाश जी थे, सतेंद्र नेता पहले पहुंचे थे, मनोज शाह भी साथ हो लिए, कितना मजा आया। बाबा की पूजा अर्चना हुई, साथ बैठे, चलते हुए लौटते हुए 12 घंटे में लोग 5 जगहों पर मीटिंग करते, भभुआ में भी माँ मुंडेश्वरी की पूजा करते, काशी में भी, बनारस में भी, जौनपुर में भी, अभी रिहंद से लोग आए, उन्होंने सेकंड सेशन में बैठेंगे, देहब कम, फिर जाके मोहनिया में करते हुए, औरंगाबाद में शानदार मीटिंग करते हुए, क्या जीवन है, चारों तरफ से लगता है जैसे शादी और विवाह का ही माहौल बना हुआ। दोस्त, ये फ्रीडम फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू आता है, ऐसे नहीं हो सकता, जहां चरित्र, विरासत, पैसा, घूमना, भ्रमण, मित्र, दोस्ती सब एक साथ आता है। पैसा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा हर समय नहीं रहता है साहब, हर समय ये सब वैल्यूज रहते हैं, और इसीलिए ये फ्रीडम इस फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि दीवाना बनकर काम करने का समय आ गया है, आज फिर से एक बार नया माहौल बनाना है। 2020 सपना था अब्दुल कलाम आजाद का, अब्दुल कलाम का, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति का, जहां देश बदल जाएगा, जहां दुनिया बदल जाएगी, जहां सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। हम सिर्फ बैलेंस ब्रेक करने नहीं आए हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने आए हैं, हजारों लाखों लोगों को, बिहार के जीडीपी में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। सब जगह डिजिटलाइजेशन चल रहा है, मेक इन इंडिया है, सब जगह सरकार और केंद्र बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत सारी चीजें चल रही है, चलती रहे, ईश्वर की कृपा रहे, लेकिन हम भी कुछ योजना चलाएंगे, हम भी 20 जिलों को चयनित करेंगे बिहार में, और डायमंड निर्माण योजना चलाएंगे हर जिले से। तभी टर्नओवर यहां 1000 करोड़ का होगा, तभी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। दैट वी शुड टेक आई डिसीजन, और वो आपके अंदर में युवा को के लेना होगा, उम्र चाहे कुछ भी हो, अपने आप को युवा समझना होगा। यू हैव टू कम लाइक यूथ। मैंने कविता भी लिखी थी, सुनाया भी था, पूरी तो सुना नहीं सकता, लेकिन अंतिम 4 पंक्तियां सुना देता हूं आपको। यूथ के लिए लिखा था, BYL में बोला था, लेकिन आपके लिए भी उतना ही है प्रासंगिक, क्योंकि आपको निकलकर हर जगह बहुत सारी चीजों को तोड़ना है, बहुत सारे कामों को जोड़ना है, पूर्वाग्रह को हटाना है। पहले हम 8 साल में डायमंड गए, आप क्यों 8 साल में जाएगा, 4 साल में जाइएगा। दिन रात जहां एक घटना है पूरा करना जैसे सपना है, दिन रात को लोग क्या समझते, सूरज ढल गया तो कहानी खत्म। अरे दिन में भी आप बत्ती जलाकर ऑफिस में रहते हैं तो रात ही हो गई ना, या रात को बत्ती जलाते हैं तो दिन ही हो गया ना। दिन रात जहां एक घटना है पूरा करना जिसे सपना है, जिसे सपना पूरा करना है वही 24 घंटे को इस रूप में लेता है। दिन रात जहां एक घटना है पूरा करना जिसे सपना है, जहां लक्ष्य ललकार है, लक्ष्य जिसके लिए एग्जिशन है, जहां लक्ष्य ललकार है, जहां कर्म श्रृंगार है। दिनकर जी को श्रद्धांजलि देता हूं इस कविता से, उन्होंने रस दिया था इसी इन्हीं कविताओं को राष्ट्र को समर्पित करते हुए, मैंने भी उन्हीं को समर्पित करते लिखा। दिन रात जहां एक घटना है पूरा करना जिसे सपना है, जहां लक्ष्य ललकार है, जहां कर्म ही श्रृंगार है, जहां जीवन एक संदेश है, जहां हर व्यक्ति एक देश है, जहां हर व्यक्ति एक देश है, एवरीबडी इज इन कंट्री दिस कंट्री। दिन रात जहां एक घटना है पूरा करना जिसे सपना है, जहां लक्ष्य ललकार है, जहां कर्म ही श्रृंगार है। हे युवा उठो हुंकार करो, हे युवा उठो हुंकार करो, सिंहासन को भी पार करो। सिंहासन क्या है? क्राउन, क्राउन को भी निकलो। हे युवा उठो हुंकार करो, सिंहासन को भी पार करो, जाओ जाकर कल्याण करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कर दिया तिलक सुखमय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। मेरे बिजनेस में।